का रुख बदलने पर तापमान में मामूली गिरावट होगी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर उत्तर भारत से प्रदेश में सर्द हवाएं दस्तक देंगी, जिससे 15 नवंबर तक मध्य प्रदेश में रात के तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल कोई वेदर सिस्टम मौजूद नहीं है। अरब सागर में बने कम दबाव के कारण नमी आने से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर आंशिक बादल बने हुए हैं। हालांकि काफी ऊंचाई पर बादल रहने से मौसम के मिजाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दतिया में